ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस पार्टी में तीन बड़े डिसीजन मेकर चेहरों में से एक प्रियंका गांधी इस बार भी चुनावी जंग से पूरी तरह बाहर है। प्रियंका इस रण में सक्रिय भागीदार नहीं है, लेकिन एक दिशा निर्धारक की भूमिका जरूर निभा रही है। कुछ रोज पहले तक प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से राहुल गांधी को यहां से उतार दिया गया। अमेठी से प्रियंका के थिंक टैंक केएल शर्मा पर दांव खेला गया। भले ही प्रियंका रायबरेली या अमेठी दोनों जगह से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन यहीं से अपनी राजनीति की पटकथा को तैयार कर रही है। प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर चुनावी प्रचार की बागडोर संभाल रखी है। को बता दे, प्रियंका गांधी 2019 से ही यूपी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा सक्रिय है। पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया के लिए रायबरेली में प्रियंका ने ही प्रचार की भूमिका निभाई थी। अमेठी में राहुल गांधी स्टार प्रचारक थे, लेकिन वे वहां से हार गए। प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की थी, जिसमें प्रियंका का काफी गहरा योगदान रहा। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी न तो अमेठी और न ही रायबरेली में एक आध बार को छोड़कर कभी आए हैं। अब रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की है। यहां प्रियंका गांधी ने जोरदार हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमें जी तोड़ लड़ना है और जिन्हें डर लग रहा है वे अभी चले जाए। प्रियंका ने अंतिम समय में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि लोग डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम लड़ना जानते हैं। आप सभी के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। ऐसा कहकर प्रियंका ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूकी है, उनको ये एहसास दिलाया है कि वे कभी भी पार्टी के काम से उनसे मिल सकते हैं। वहीं देखा जाए तो यूपी में राहुल गांधी से बड़ा फेस प्रियंका गांधी का रहा है। योगी सरकार में भी प्रियंका गांधी उनसे सीधी टक्कर ले चुकी है। जब उन्हें पीड़िताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा था तो वे धरने पर बैठ गई थी। बाद में उन्हें ससम्मान वहां तक पहुंचाया गया था। अपने भाषणों में भी वे यूपी के बारे में सबसे अधिक बात करती है। यूपी के कार्यकर्ताओं भी उनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और उनकी बातों का मान सोनिया गांधी की तरह ही रखते हैं। बता दे, रायबरेली में उनकी चुनावी प्रबंध की भी अग्नि परीक्षा है। हालांकि रायबरेली में सोनिया गांधी के चलते राहुल गांधी काफी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन अमेठी में केएल शर्मा थोड़े कमजोर है। हालांकि प्रियंका का मुख्य काम राहुल गांधी को जीत दिलाना है। संविधान के मुताबिक कोई भी सांसद केवल एक ही संसदीय सीट पर प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों से जीतते हैं तो वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं। इस तरह एक परंपरागत सीट पर राहुल गांधी हमेशा बने रहना चाहेंगे। वही वायनाड में उपचुनाव के दौरान प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़कर सक्रिय तौर पर राजनीति में प्रवेश करेगी। वहीं भविष्य के घर में गोता लगाया जाए तो दूरदृष्टि यही कहती है कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़े या वायनाड, प्रियंका गांधी की नजरें अमेठी पर भी हमेशा रहेगी। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है और राहुल गांधी ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई है, लेकिन पिछली जीत के बाद स्मृति ईरानी यहां अपनी स्थिति काफी मजबूत कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद स्मृति की साख जरूर बढ़ी है, लेकिन वो बीजेपी के टॉप 20 प्रचारकों में तक में शामिल नहीं है। वहीं राहुल गांधी पार्टी के नंबर 1 स्टार प्रचारक है, बाद भी उनका रसूख अमेठी में काफी नीचे आ चुका है। ऐसे में अमेठी में स्मृति से टक्कर केवल प्रियंका गांधी ही ले सकती है। यहां केएल शर्मा को केवल यहां की अंदरूनी स्टडी करने के ही मैदान में उतारा गया है। सियासी गलियारों में खबर तो ये भी चल रही है कि आने वाले समय में अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। ऐसा करने से अमेठी और रायबरेली दोनों संसदीय सीट एक बार फिर से कांग्रेस की हाई प्रोफाइल और सुरक्षित सीटों में से शुमार हो जाएगी पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।